इस्मत चुगताई की कहानी कामचोर ईशा के क्लैबल प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड की गई। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने के धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे गधे कहीं के, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ऐ है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी यानी फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लगाकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। ऐ तुम पर खुदा की मार, झाड़ू फिरे तुम्हारी सूरतों पर। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वो उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज्यादा झाड़ी गई। नतीजा ये कि सींकें तलवारों की तरह चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पे थप्पड़ों की बारिश होने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब मजदूर आंगन से भी मार मार कर निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे हों डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहां भी यह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, कहीं किसी की बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा, लोटे पर भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां, और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए, कटोरों और डोंगों वाली फौज ने गोमड़े डाल दिए सिरों पर। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुसुम भेजी गई, जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से ऐसे सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस ढींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हांकने लगे, चल दड़वे दड़वे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई।
तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कींचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई मुंह हाथ धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि बकरी ईद के लिए जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप, सूप एक तरह का कंटेनर होता है, दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बनी दादी के देहात का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमे सितारे लगाकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सब रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसे लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े गुजरी तो ना जाने वह किन सपनों में सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी उलझी मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं, वो आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर यह परलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चार भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार तनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं और साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। वे बच्चे हैं कि लुटेरे? और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा।
ये लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट चैन नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। कहानी समाप्त।